अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। पता है, मैंने बचपन से एक ही नाम का पहाड़ा पढ़ा, फारिया 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 फारिया। आज वो मेरी होने जा रही। बहुत खुश हूँ यार, मैं सच में बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ मूसा जैसे लड़के के साथ कोई लड़की तसव्वुर नहीं कर सकती शादी करने का, लेकिन हाथ तो मूसा से भी गए गुजरे निकले। आप फारिया की मोहब्बत का दम भरते रहे, उसको गाड़ियों में घुमाते रहे, फूल लाते रहे, उसे उम्मीदें दिलाते रहे, और अब आप शेम ऑन यू फारिस। मैंने आपको बिल्कुल ठीक जज किया। समीरा, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? हाँ, देख रही हूँ कि तुम नफरत में कहाँ तक जा सकती। ये तो अभी इब्तिदा है, अभी तो बहुत से जख्मों पर तुम्हारे मुस्कुराना बाकी है। अभी तो आपने दावा किया था कि आप मुझसे मोहब्बत करते, मेरे लिए कुछ भी कर सकते। प्लीज फारिस, फारिया को इस अजाब से बचा लें। समीरा, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा ना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मोहब्बत करते हैं ना फारिस, तो मोहब्बत कुर्बानी देना भी जानती है। क्यों घबरा रहे हैं आप सेक्रीफाइस से? समीरा, मैंने मोहब्बत की है, गुनाह नहीं। मैं इस सजा का हकदार नहीं बन सकता। फारिस, मैं आपके लिए शराब। फारिया जो आपसे इतनी मोहब्बत करती है, वो आपकी जिंदगी में आएगी तो आपकी जिंदगी को खुशियों से सैराब कर देगी। फारिस, मैं आपसे आपकी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन मांग रही हूं। अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी खुशियां आपके लिए अजीज है, तो प्लीज सब फारिया को अपना ले, उसे बचा ले। फारिस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। हेलो समीर, समीरा, मोहसिन को बुलाया भी नहीं जाता, उसे तो हमेशा इज्जत से याद रखा जाता। थैंक यू फारिस। ये मोहसिन नहीं, रहमत का फरिश्ता है। फरिश्ता? अरे, मुझ गुनहगार को क्यों फरिश्तों से मिला रही हैं आप? आई एम अ नॉर्मल मैन, मैं एक आम सा इंसान तो हूं। मुझे तो लगा मैं जल्दी आ गया, वरना तुम तो फारिस के साथ किसी लंबे टूर पर निकले। बकवास बंद करो, अपने तुम सब पता है मुझे। दो प्यार करने वालों के बीच का कनेक्शन तोड़ दिया ना मैंने, इसकी बड़ी मिर्चें लग रही हैं तुम्हें। वैसे यार, इतनी बार तुमसे कहती हूँ, अच्छा लड़का है तो उससे बात कर लो ना। हम इनफैक्ट आज फारिस को फोन करते हैं, चलो। कैसे खुलता है ट्रैफिक? मैं अभी मार लगाऊंगी, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती उससे। कहाँ वो और कहाँ हम यार, शक्ल पे लिखा है मैं प्यार करती हूँ फारिस से। क्यों?
ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हारे तुम्हारी माँ को तुम्हारी आंखों में मैंने बारिश के लिए मोहब्बत देखी और इसके दिल का हाल नहीं जान सकी। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। मुझे रास्ता दिखाते हैं बड़ी गलती होंगे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई मुबारक हो, महलने की इज्जत, महलने की रानी फारिया। भाई महलने में रुख्सत हो के महलने में ही आ जाएगी इंशाल्लाह। फारिया हीरे जैसी बहू मेरी बन जाएगी तो मुझे और क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल, अरे मैं तो खुद कह रही थी कि इस इतवार को मंगनी करते और 2 महीने बाद शादी। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह। फिंसा बहन, इतनी जल्दी कैसे मुमकिन होगा? मुझे इतने सारे इंतजाम करने हैं, मेरा एक इकलौता बेटा है भाई, मैं तो बहुत धूमधाम से शादी करूंगी उसकी। भाई आसिया बहन, अरे नेक काम में देर कैसी? अल्लाह का नाम लेके ना खुशियों का इस्तकबाल करो। चट मंगनी पट बिया और दोनों को बता दे रही हूँ भाई, दोनों से मिठाई लूंगी और शगुन अलग लूंगी, सही है ना? अब अच्छा, अब दोनों तुम लोग खरीदारी शुरू कर दो। अरे मुसा भाई की मंगनी खुशी में नहीं मुंह मिठा के बात है मुसा भाई। अरे मुसा भाई, एक यार एक यार। भाई अच्छा हुआ तो नजर आ गया, असल में मंगी हुई है ना, तो हम लोग मिठाई खा रहे थे तो मैंने सोचा प्लीज मिठाई खाना अगर प्लीज। अच्छा मंगनी हो रही है तुम्हारी? उस दिन जो भी हुआ ना वो एक गलत फहमी थी, मैं सबको भुलाना चाहता हूँ। मैं वाकई बहुत खुश हूँ यार। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, लेकिन वो लड़की है कौन? मेरी मोहब्बत फारिया। मामू आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा बैठो। बेटा क्या बात है, तुमने अपने आप को सबसे अलग थलग कर लिया है। माशाल्लाह देखो घर में तुम्हारी मम्मी की तैयारियां चल रही हैं और तुम सबसे अलग थलग जाके बैठ गई हो, क्या बात है? हाँ फारिया तुम आया करो, बैठा करो हमारे साथ। तुम्हारे चंद दिन तो रह गए इस घर में और फिर कौन सा शादी के बाद बेटियां रोज रोज आती हैं, मैं कह आ जाती हैं कभी साल दो साल में ईद त्योहार पर। लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है ना कि बेटियों की शादी हो जाए तो मैं कह से उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। अब बेटा तुमने कुछ खाया है? मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। नहीं मामू भूख नहीं है। अक्सर लोगों की खुशी में भूख उड़ जाती है और फारिया से अपनी मंगनी की खुशी संभाली नहीं जा रही। अगर खुशियों से भूख उड़ती है तो सबसे पहले तो तुम्हारी भूख उड़ जाना चाहिए थी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ना तुम खुश हो मेरी शादी से।
इस चींटी की मौत आई है ना, चाबी इसके बहुत पर निकल गए। मैं जब तक खामोश हूं इस घर का माहौल खुशगवार रहेगा। उमानी और शकीबा के मजे सितम में सहने के लिए तैयार। मैं मामू को मजीद टेंशन नहीं देना चाहती। फारिया, मामू की खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने चली हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये बेवकूफी नहीं है, तुम नहीं समझोगी। यही तो फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में फारिया। मामू तुम्हें अंधे कुएं में झोंक के भी खुश नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें इस अंधे कुएं में छलांग नहीं लगाने दूंगी फारिया। मैं मौत के दहाने पे खड़ी हूँ, तुम चाहो भी तो भी मुझे नहीं बचा सकती। मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं ये तुम रहने दो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हेलो 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 समीरा, अस्सलामुअलैकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शकीबा, फारिया को बुला दो जल्दी से, मार्केट जाना है, बहुत देर हो गई है। जी अभी बुला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। अरे आसिया बहन, आप इस वक्त? हाँ, मैं फारिया को मार्केट ले जाने के लिए आई हूँ। आप यकीन करें, मैं और वकार तो बहुत ही मुतमईन और बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। भाई, बिन माँ बाप के बच्चे को ना मोहब्बत और शफकत देने वाली माँ मिल रही है, सास नहीं मिल रही। वरना आजकल कौन बहू की पसंद नापसंद का ख्याल करता है? सास है ना तो अपनी मर्जी को तरजीह देती है। लेकिन आसिया बहन, बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि आप अपनी बहू को खुद शॉपिंग के लिए ले जा रही हैं। किंजा बहन, आज मैं अपनी बहू का ख्याल नहीं रखूंगी तो कल को वो मेरी राह का एहतराम कैसे करेगी? अब देखो, जिंदगी तो मिलजुल कर गुजारने में ही है और असल सुख तभी मिलता है। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपको? जी जी, मैं खैरियत से हूँ। भाभी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहें, लेकिन अब भी नहीं, मार्केट से पहले मैं आ जाऊँ फिर उसके बाद। हाँ सही कह रही है ना आसिया बहन, आप मार्केट जाइए, शॉपिंग करके आराम से आ जाए, वही फिर चाय भी पियेंगे और बातें भी करेंगे। नहीं, बात बहुत जरूरी है और मैं चाहूंगा कि अभी वो बात हो। आप प्लीज आए मेरे साथ ड्राइंग रूम में, लोग बातें करते हैं। आइए चले। आ जाएं भाभी, बैठे। आप भी कहाँ इतनी गर्मी में मार्केट चली। मुझे आपसे बात करनी थी एक। देखें, आप तो जानती हैं ना कि फारिया मेरी अकलौती भांजी है। मैं नहीं चाहूंगा कि उसकी शादी में किसी भी तरह की कोई कमी हो, और ये जहेज और हक़ मेहर के जो मामलात हैं, इसको अगर हम लोग मिलकर के पहले से ही तय कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या ख्याल है आपका? वकार भाई, जहेज की तो मेरी कोई डिमांड ही नहीं है, और आप अपने घर का इतना बड़ा हीरा मुझे दे रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए? हाँ, फारिया का जो हक़ मेहर है वो शरई है। अगर आपने कुछ तय कर रखा है तो मुझे जरूर बता दीजिए। देखिए आसिया भाभी, आप जानती हैं कि ये घर फारिया का ही है और मेरे कारोबार में लगा हुआ सरमाया भी मेरी बहन की अमानत है। मैं चाहूंगा कि रुखसती से पहले ये दोनों अमानतें मैं आपके और मूसा के हवाले कर दूं। एक काफी अरसे से मेरे कंधे ये बोझ संभाल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी आपको सौंप के मैं हल्का हो जाऊं, ताकि मैं अपने मरूमा बहन के पास जब जाऊं तो मेरा जमीर सुरखुरू रहे। वकार भाई, मैं फारिया को बड़े खलूस और मोहब्बत के साथ लेके जाना चाहती हूँ अपनी बहू बनाकर। ये कारोबार, ये जायदाद और ये दुकान
ये दुनियादारी की नजर में एक लालच है। मैं इस चीज को नहीं मानती, बस मुझे फारिया मिल जाए, मेरे घर की बहू बन जाए तो यही काफी है मेरे लिए, और मूसा को अपने जोर बाजू पर जिंदगी गुजारने दें ताकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दें आप। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आसिया बहन, और वैसे भी वकार जल्दबाजी से किए गए फैसले ना हमेशा नुकसान ही देते हैं। किंजा आप खामोश रहें, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दें। देखें आसिया भाभी, मैं चाहता हूँ कि ये कारोबार, ये घर, ये सब मैं मूसा को सौंप करके आजाद होना चाहता हूँ। बरसों से मेरे कंधे फारिया के एहसानात और उसकी जिम्मेदारी तले दबे हुए थे, अब आप ये जिम्मेदारी संभाल के ना मुझे तो आजाद कर दें, बहुत थक गया हूं मैं ये जिम्मेदारी संभाल करके। ठीक है वकार भाई, जैसे आपकी मर्जी। बहुत शुक्रिया, आपने ये बात कह के तो मुझे हल्का कर दिया बिल्कुल, अब मैं बहुत मुतमईन हो गया हूँ। कोई बात नहीं वकार भाई, क्या हो गया तेरे अब्बू को, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। फारिया नम्मी हमारे गले की हड्डी बन गई है, ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। सोचा था इसकी शादी हो जाएगी, सुकून से रहेंगे, लेकिन हमारे नसीब में तो वो भी नहीं, और ऊपर से तेरा बाप, अरे सटिया गया है बुढ़ापे में। अरे हम ये कारोबार, दुकान, घर सब मूसा को दे देंगे तो खुद क्या ये बीवी बच्चों को लेकर फुटपाथ में भुट्टे भूनेंगे। अब ये देखे ना, ये नया शोशा छोड़ के हमें परेशान कर दिया। अच्छा एक काम कर, तू अभी ना अब्बू को कोसना बंद कर, तू जाकर फारिया को रोक, उसको कहो कि अभी आसिया के साथ मार्केट बिल्कुल नहीं जाना है। क्या मतलब मम्मी? अरे मुझे मतलब समझाने का टाइम नहीं अभी, जा जो बोल रही हूँ वो कर ले। अच्छा अच्छा जल्दी जा। कैसे समझो, इस आदमी का तो दिमाग ही खत्म हो गया इस उम्र में। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? कुदरत देख रहा हूं मैं, जो दुनिया के हर हुस्न से भी ज्यादा हसीन है, बल्कि उस हुस्न से भी जो तुमसे मुकम्मल होता है। खाक ने मुझमें ऐसे क्या देखा? तुम बहुत मासूम हो, तुम्हारी मासूमियत ऐसी मासूमियत शायद हो किसी और में। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक छोटे से मोहल्ले की आम सी लड़की हूँ। आपको तो बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां मिल सकती थी। हाँ लड़कियां तो बहुत मिलेंगी, लेकिन मैं फारिया जैसी नहीं लड़की मिल सकती। फारिया, फारिया तुम्हें तो बहुत जल्दी होगी ना अपनी शादी की शॉपिंग करने जाने की। है मेरी बात कान खोल के सुनो, अम्मी का ऑर्डर है कि आज की आंटी को तुम इनकार कर दो शॉपिंग में जाने से। ये अचानक से मोमानी का इरादा क्यों बदल गया? अभी तो वो मुझे तैयार होने के लिए आंखें दिखा रही थी। बहुत बहस करती हो तुम, तुम्हारी ना सबसे बुरी आदत मुझे ये बहस करने की लगती है। खामोशी से बात को सुनने के बजाय, मानने के बजाय बहस करना शुरू कर देती हो। बहस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हमेशा से वो ही हुआ जो तुम दोनों ने चाहा है। मर्जी है तुम्हारी, जो करना है करो। अल्लाह ये अब कौन सा नया ड्रामा है, इसके पीछे अब कौन सा मकसद है? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। फारिया जो है वो नहीं आ रही, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो आज शॉपिंग पे नहीं जाए। चल। अरे आसिया भाभी, मैं तो कहता हूँ ये मंगनी जैसी फजूल रस्मात को छोड़ें, और हमारी शरीयत भी इसकी इजाजत नहीं देती है।
भाई मेरा मशवरा तो ये है कि आप मूसा और अपने खानदान के चंद बड़ों से मशवरा करके जल्द से जल्द हमें शादी की तारीख दे दें। और मैं भी यही चाहता हूं कि इस फरीजे को जल्द से जल्द अदा कर दिया जाए। वकार भाई, आपकी बात सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं खुशी का इजहार करूं या परेशानी का। चलें ठीक है, मैं एक दो रोज में आपको मशवरा करके फिर बताती हूं। बिल्कुल ठीक। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूं। ठीक है किंजा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या हो जाता है आपको, हथेली पे सरसों क्यों जमाने बैठ जाते हैं? अभी आप इत्मीनान से सादगी से मंगनी कर लें, फिर हम धूम धाम से रुखसत करेंगे इस घर से फारिया को। किंजा बेगम, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि फारिया की रुखसती के बाद हम लोगों को यहाँ से शिफ्ट होना है। आप शिफ्टिंग की तैयारी करें ताकि शादी के बाद हम भी यहाँ से रवाना हो जाएं। समझ रही बात आप मेरी? अम्मी ये सब क्या कह रहे हैं अब्बू? हमने यहाँ रह के अपने औकात भूल गए थे, तुम्हारे अब्बू ने हमें याद दिला दिया कि यहाँ सब कुछ ना उस मनहूस फारिया का है और उसके टुकड़ों पे ही तो पल रहे हम। अम्मी मुझे तो समझ नहीं आता कि फारिया अपनी किस्मत सोने के हरूफ से लिखवा कर लाई है। अब्बू मेरे लेकिन फिक्र उन्हें सिर्फ फारिया की लगी रहती है। मनहूस मारी से जान छूटे। यार मूसा भाई, अब तो रिश्ता होने जा रहा है फिर भी इतनी टेंशन में बैठे हो, क्या बात है? यार पता नहीं, मैंने फारिया का नंबर बंद था, अब नंबर खुला है तो वो कॉल पिक नहीं कर रही। उस दिन मुझसे मिली और उसका रवैया भी कुछ ज्यादा ही बदला हुआ था, पहले कभी मैंने उसको इस रवैये में सुना नहीं। मुझे पता है वो शुरू से कतराती है मुझसे, लेकिन इस बार उसका रवैया कुछ और था, पूरा बिहेवियर ही चेंज था। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, फारिया से मिलके बात करूं, अम्मी को मना कर दूं अभी रिश्ते के लिए, ना लेके जाए रिश्ता, क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी रिश्ता करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आर्या का इस तरह का रवैया कुछ अजीब बात है यार, नहीं समझ आ रहा। यार मूसा भाई, इतनी मन्नत और मुरादों के बाद जाके रिश्ता तय होने जा रहा है तो कभी तुम मना कर रहे हो, कभी उधर से मना हो रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर कब करोगे शादी? यार पता है इतनी मुश्किलें परेशानियां क्यों झेली है अभी तक, कि एक बार फारिया से रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए फारिया के साथ तो सुकून से जिंदगी गुजार। लेकिन अभी तक वो सुकून में सही है, महसूस नहीं हो रहा। जब तक सुकून नहीं है तब तक नहीं यार, मैं अम्मी को मना कर दूंगा, अभी अभी सही नहीं है, मैं मुझे नहीं करना अभी रिश्ता। ठीक है यार मूसा भाई, तुम्हारी मर्जी है यार, फिर मैं कुछ कहूंगा। कह ना, तो तू कह रहे, जब कहेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या कह रहा है तूने? यार मूसा भाई अभी मैंने कुछ कहा नहीं और तुम गुस्सा कर रहे हो यार। अरे मूसा भाई मैं ऐसे ही कह रहा था, एक बात कर रहा था जनरली। ए, ऐसे तो भूल देना, छोड़ो मूसा भाई बस। चल छोड़ दिया, जा तू जा, जा ना। तो क्या करे, हाथ फैलाकर रोड पर खड़े हो जाए ये करें क्या? और वैसे भी ये सब कुछ ना आर्या का अकेली का नहीं है, समझे आप? आज जो कुछ भी है ना ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। और अगर हम हिसाब लगाएं तो आपकी बहन जितना पैसा छोड़कर गई थी ना वो फारिया की तालीम और अखराजात पर खर्च हो चुका है, और जो भी मुनाफा है ना वो सब आपकी मेहनत का नतीजा है, समझे आप? तुम जैसी छोटी ज़हनियत की औरत पे ना मुझे बड़ी बात की तवक्को ही नहीं थी। अरे जितना हमने फारिया के साथ पे खर्च किया है उससे कई गुना के तो हम उसके मकरूज हैं। बड़ी बात तो मैं कर दूंगी वकार साहब,
मगर आपका जो जर्फ है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए बेहतर ये है कि आप ना दरमियान का कोई रास्ता निकाल लें। मेरे ख्याल में तो शादी के बाद ना फारिया और मूसा को ना पीछे का पोर्शन रहने के लिए देते। भाई आप खुददार आदमी हैं तो आप मूसा की भी खुददारी देख लेंगे, अगर उसमें ज़रा भी गैरत होगी ना तो वह मुफ्त में नहीं रहेगा बल्कि किराया देकर ससुराल वालों पर बोझ नहीं बनेगा। मेरा ख्याल है किंजा बेगम आप सामान की पैकिंग करें और चलने की तैयारी करें, क्योंकि इंशाल्लाह मैं फारिया की शादी इसी महीने कर दूंगा, फिर हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। और हम जाएंगे कहाँ? किंजा मेरे दोस्त ने अभी एक मकान लिया है, उसके ऊपर का पोर्शन खाली है, मैं उससे बात करूँगा, हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं कहीं मैं एक छोटा सा जॉब देख करके कोई कर लूँगा। थोड़े अकल का नाखून लो वकार साहब, ये बुढ़ापा ना आराम के लिए होता है, ना कि इस उम्र में तुम नौकरियां ढूंढते फिरोगे। और अगर तुम ये सोचते हो ना कि शकीबा से नौकरी कराओगे तो याद रखो वो हमारा बेटा नहीं हमारी बेटी है, कल को दूसरे घर भी भेजने हमें। देखो किंजा, फारिया के नसीब में जो चीज थी ना वो सब उसको मिल गई, और रही बात शकीबा की तो उसने जो किया है ना उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। सजा तो हम तुम्हारी शक्ल में भुगत रहे हैं, चले जाओ तुम भी अपनी भांजी के साथ, जान छूटे मेरी तुमसे। फारिया 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 गला घोट दो शकीबा का, हर वक्त मेरी बच्ची के ही पीछे पड़े रहते हैं, फारिया तो नजर ही नहीं आती इस आदमी को। पहले तो आप मुझे फारिस साहब कहना बंद करें, मेरा नाम फारिस है और आपके लिए यही काफी है। ये मैटर नहीं करता, प्लीज पॉइंट से डाइवर्ट ना हो, मैं आपसे जो कह रही हूँ आप प्लीज उसको सुन ले। देखो मैं भी तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि तुम बिला वजह फारियों को लेकर पॉजिटिव हो रही हो। देखो ये दौरे जाहिलियत नहीं है जहाँ लड़कियों की राय और उनकी उनकी मर्जी को अहमियत ना दी जाती हो और उसकी खामोशी उसकी रजामंदी को ही जाहिर करती है। फारिस, आपको जो कुछ मूसा ने बताया वो सच है, लेकिन इस सच में इतनी मिलावट है, इतना झूठ है कि सच का चेहरा ही बिगड़ गया। और ठीक है अगर फारिया राजी नहीं है तो अपने मामू को मना कर दें, अब बकुल तुम्हारे उनके मामू उससे बहुत प्यार जो करते हैं। बहुत बार कोशिश की है फारिया ने कि वो मामू को जाके सच बता दे, लेकिन वो जब भी कोशिश करती है मुमानी और शकीबा कुछ ना कुछ करके उसकी इस बात को नाकाम कर देते, वो बात कर ही नहीं पाती मामू से। तो फिर ठीक है एतबार नहीं करेंगे ना, लेकिन सच एक दिन उनके सामने आ ही जाएगा। बात सच और झूठ की नहीं है फारिस, मामू की तबीयत वैसे ही खराब रहती है और ये सब जानने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हो सकता है उन दोनों को घर से भी निकाल दें, फिर क्या होगा? जरूरी तो नहीं ना ऐसा ही हो। वो आपकी बात ठीक है लेकिन फारिया ना पॉजिटिव नहीं सोच पा रही, वो बहुत डर रही है दूसरों की खुशी के बारे में, उनके एहसासात के बारे में सोच रही है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि वो जाकर बात कर सके। इतनी बार मैंने समझाया उसे, आपको उसे इससे बचाना पड़ेगा, वो आपसे मोहब्बत करती है और आपको उसकी मोहब्बत की लाज रखनी चाहिए।